हाय गाइस, गुड मॉर्निंग और फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी मैरी क्रिसमस टू ऑल। एंड यस, आज यहाँ पे जैसे मैं लंदन में हूँ, आपको भी पता है मैंने बहुत टाइम से ब्लॉग नहीं डाला, जिन्ना भी गाड़ी निकाल रहा है। अभी हम लोग जा रहे हैं बॉक्सिंग डे बाय। तो यहाँ पे जैसे कि क्रिसमस डे के बाद बॉक्सिंग डे होता है, और मैंने सोचा कि फिर आज का ब्लॉग करना चाहिए, बिकॉज आपको पता चले कि क्या होता है, बिकॉज मुझे भी नहीं पता। और जैसे कि उस दिन मैं विंटर वंडरलैंड भी गई थी, वहां के छोटे क्लिप्स मैंने लिए हैं, पर वहां पे ब्लॉग अच्छी तरीके से नहीं बन पाया। सो आज मैंने सोचा मैं बॉक्सिंग डे का ब्लॉग बनाती हूँ। उसमें ऐसा है कि जैसे कि यहाँ पे जो बड़े बड़े बहुत बड़े ब्रांड्स होंगे ना, उसमें मतलब अगर बहुत हाफ प्राइस में। सो यस, आई एम सो एक्साइटेड, होप सो कि मुझे कुछ ना कुछ मिले। और यस, आई एम सॉरी, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, बट यस मैं अभी गाड़ी में जाके बैठती हूँ। फिर भी मेरे में इतनी मस्ती है कि मैंने अभी भी स्लीपर्स पहनी है क्योंकि मैं शॉपिंग जा रही हूँ। सो मैंने सोचा कि मुझे थोड़ा कंफर्टेबल हो। हाँ मेरी बुगली, ओ सॉरी, हाँ मेरा लव, हम लोगों को निकल के मुझे लग रहा है 1-2 घंटा हो गया, स्टिल हम लोग अभी भी पार्किंग ही ढूंढ रहे हैं। इतनी दुनिया, इतने लोग, सच में। एक तो मेरी पहले ही तबीयत ऐसे है ना, और मैं थोड़ा अभी ऐसे हूँ थोड़ी। मैंने चिंदा को अभी जस्ट बोला है बुगली लेट्स गो बॉक्सिंग, ये मुझे बोल रही चाय पी के घर पे जाते रहने दो बॉक्सिंग डे से। या बिकॉज वहाँ पे भी जाने के, अभी ये जो मॉल पीछे रह गया, और मैं आपको अभी दिखाती हूँ गाड़ियाँ कितनी रोड पे प्रॉपर, और यहाँ के रूल्स बहुत अलग है, सो हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते। तो पता नहीं है यार, आई थिंक वैसे भी उधर पार्क कर सकते हो, गाड़ी घुमानी पड़ेगी, पर तब तक कोई लग भी सकता है। एक पार्किंग स्पॉट मिला है लकीली, आई डोंट नो, मैं ब्लॉग फिर भी बनाऊंगी। ऑल द बेस्ट, एंड आई एम सॉरी कि तुम्हें इतने ड्राइव करनी पड़ रही है। लुक एट द ट्रैफिक, शो द ट्रैफिक, मैं दिखाती हूँ, वेट, यू नो दैट ये वाला जो रोड है वो सब पार्किंग के लिए ही है। जितना दूर दूर तक दिख रहा है ये सी सब गाड़ी, इतनी गाड़ियां मैंने जिंदगी में नहीं देखी जैसे कि आज देखी है और कल। और यहाँ पे 20 mph है, सो यहाँ पे गाड़ी भी साइकिल भी फास्ट चलती है। Very stressful. And अभी ये तो फिर भी हमें कितने बजे, 2-2.5 बजे आए, सुबह से 5-6 बजे से लोग ऐसे आ जाते हैं, so it's busy since the morning. हमने सोचा कि एनर्जी इधर बहुत लाइन है, मैं वो दिखाती हूँ, बट अभी जारा का स्टोर यहाँ पे है। पहले सोचा कि जारा में जाते हैं क्योंकि ऊपर ना थोड़े नॉर्मल शॉप है जैसे कि लोगों के लिए, नीचे जब आ रहे थे वो थोड़े ब्रांडेड है, तो कोई जा रहे कोई नहीं जा रहे। सो अभी जारा में जाने के लिए इतनी दूर घूम के लाइन तो मैंने तो जिंदगी में नहीं देखी थी यार। अच्छा लग रहा है ये ऐसे बेसिक जो मैं मुंबई में भी पहन सकती हूँ। अभी मैं थोड़ी मोटी हो गई हूँ, आई नो, बट मैं थोड़ी नहीं बहुत पतली हो जाऊंगी क्योंकि मैं जिम भी लगाने वाली हूँ यहाँ पे। सो यस, डोंट वरी, बट ये अच्छा लग रहा है। इतनी भीड़ में मैं सच में इसको ढूंढती कैसी, अभी भी इसको पता नहीं है। थैंक यू। क्या है तुम्हें पता है, हम लोगों ने उधर उस दिन सेंट्रल लंदन में एक अम्ब्रेला देखा था। हाँ, कितने का था? £15। आज मैंने कितने में लिया? £1। और उससे भी अच्छा। हाँ, मैंने तुम्हें बोला था ना। तुमने क्या बोला था? नहीं मिलेगा। अच्छा लग रहा है एक्चुअली, तुम्हें अभी सूट कर रहा है, मस्त है ना? मस्त है। इस
छाते के लिए मैंने एक घंटा लाइन में खड़ी रही हूँ। सब जगह पे क्यूज बहुत लंबी है। चल लेट्स गो। बिजी बिजी बिजी। कैसा लगा? मस्त। मैंने बोला था ना सेल में मिलेगा, बट यू नो व्हाट, मेरी सुननी मेरी ना सुनती नहीं है। लेट्स गो। कैसी लग रही है बुगली? आई थिंक द स्मॉल वन लुक्स मोर क्यूट। बड़ी वाली भी अच्छी लग रही है, बट फिर उसमें से मुझे लग रहा है ब्लैक तो जो इसके पास है। बट एक चीज है जो इस पे ज्यादा बेटर लग रही है, वो जो ऐसे डॉट्स है ना उस पे ज्यादा क्लासी लग रहे हैं, उस पे डॉट्स नहीं है। बट वैसे हाँ, अगर डॉट्स होते तो ये मस्त होती। What? For guys shopping, the sale in River Island today was amazing. I would have normally spent about maybe £500-600 on this, but today I got all that stuff in so one. So, फिर दो घंटे जो हम पार्किंग ढूंढ रहे थे, it's worth ना? Yes. मैं तो थक गई क्योंकि मेरा बुगली तो बहुत ज्यादा हैप्पी है। उसको मैंने बोला है अम्ब्रेला ठीक से पकड़, क्योंकि ये अम्ब्रेला के चक्कर में ही मैंने पूरा लाइन लगाई एक घंटे की। और चिन्ना ने गाड़ी इतनी दूर पार्किंग की है, सो मैंने मुझे पता नहीं था कि ये बॉक्सिंग डे क्या होता है, बट ये है कि बड़े बड़े ब्रांड्स या ऐसे नॉर्मल ब्रांड्स से भी थोड़ा सेल होता है, तो यस लोग बहुत ज्यादा आते हैं। पर कल नेक्स्ट की सेल है वो सबसे ज्यादा बिजी होती है, वो कल होगी सुबह को, बट फिर भी आज बहुत अच्छा था कि फिर भी कपड़े मिल गए लेट जाके भी। और मुझे एक एक्सपेंसिव गिफ्ट मिलने वाला है, और जो मेरे पैर ठंडे पड़ गए हैं ना, आप सोच भी नहीं सकते। और मेरे हाथ आज पता नहीं ठंडी ज्यादा पड़ गई है, और मैंने ना स्लीपर्स पहनी थी जो मेरे ऐसा लग रहा है ना बर्फ के पानी में मेरे पैर रखे थे। सच में अभी 10 मिनट और वॉक है। अगर छाता टूट गया है ना फिर तुम देखना। नहीं टूटेगा, मुझे महंगी चीजों को भी इतना आज नहीं था जितना मुझे अम्ब्रेला का था। जो मैं खुश हुई हूँ ये अम्ब्रेला देख के, एंड सॉरी ये क्वालिटी के लिए। सॉरी होटल पे आ चुके हैं, एंड जैसे कि आज का ब्लॉग था, मेरी पहले से ही तबीयत ठीक नहीं थी, सो शॉपिंग फिर भी की क्योंकि जिन्ना को भी बहुत सारी चीज़ें लेनी थी और मुझे भी, सो वो भी ले लिया। जैसे कि मैंने बोला कि कोई चीज़ें सस्ती ऐसे मिलती है, पर आज मेरे में इतने पेशेंस नहीं थे, फिर भी हम लोगों ने शॉपिंग करी। वैसे तो यहाँ पे होती ही रहती है, और यस वो बैग मैंने देखा था, पर आप ब्लॉग आप मैंने वो सब चीज़ें हम लोगों ने उधर गाड़ी में ही रखी, मैंने कुछ रूम में नहीं लाया बिकॉज यहाँ पे ठंडी अभी फिर से बढ़ने लगी है। मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, इसलिए वो चीज़ें क्या है वो बाद में दिखाऊंगी नेक्स्ट वाले ब्लॉग में कभी तो। एंड इस ब्लॉग में मैं उस दिन विंटर वंडरलैंड गई थी, तो मैं सोच रही हूँ कि वो वाली क्लिप मैं यहाँ पे डाल दूँ, बिकॉज वहाँ पे हम लोग विंटर वंडरलैंड पहुँच गए हैं, बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है और पार्किंग का एज यूजुअल प्रॉब्लम, बट फिर भी हमें नज़दीकी मिल चुकी है। एंड यस अभी हम लोग जाएंगे। यस आई एम सो एक्साइटेड बिकॉज मैं यहाँ पे प्रॉपर ऐसे कपल वाइब है, अच्छा लग रहा है, और मैं अच्छी मुझे पूरा खुशी इस बात की कि हम दोनों साथ। मेरी बुगली लेट्स गो। इसमें दिख रहे थे मजा आएगा। अभी हमें ये फर्स्ट टाइम मिला, थैंक यू माय बुगली। यस वी वन। अभी बाद में हम लोग और जीतेंगे, बट ये लेके कैसे घूमूं, पहले मुझे बड़ी बैग खरीदनी पड़ेगी। हमारा न्यू बुगली न्यू वन। इसलिए क्योंकि वो ऐसे जैसे कि जैसे कोई चीजें हम सोचते हैं वैसे नहीं होती, सो मैंने ये सोचा कि वो वाले जगह पे ब्लॉग ऐसे थोड़ा बोरिंग बन जाता, कुछ इन्फॉर्मेशन देने के लिए ऐसे कुछ नहीं था, क्योंकि चिन्ना ने मुझे जैसे बोला कि वो पहले वहाँ पे फ्री होता था, बट अभी हर एक राइड है या ऐसे उसके हर चीज के पैसे लेने लगे हैं, सो यस। एंड मेरा न्यू ईयर का गोल होगा कि मैं मेरा वजन कम करूं। सो
सो यस अभी सेकेंड से मैं स्टार्ट करूँगी। ऐसे ही मुझे प्यार करते रहना, हंसते रहना। लव यू ऑल।